हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और ये लाइव मार्केट है 50 बाय 50 का। यहाँ से मार्केट गोइंग अप जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची लेवल का रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये करेक्टली टारगेट होगी, ठीक है। ये आपका टारगेट एरिया है फ्रेंड्स, ओके। ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री है, ओके। जो नेक्स्ट कैंडल ये रेड वाली बन रही है, ये आपकी एंट्री कैंडल है। और ये 3 बार सिग्नल है, और सिग्नल यहाँ पर क्या है, 50% रिट्रेसमेंट है। प्लस यहाँ पर 21 EMA यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी आपको सपोर्ट मिला है, यानी डायनेमिक सपोर्ट, और प्लस फिबोनाची लेवल का सपोर्ट लेवल, ओके। और मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है, तो ये क्या बनेगा, ये हो गया इम्पल्स वेव, ये होगा करेक्टिव वेव। और मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी इस लेवल तक। जैसे कि यहाँ पर मैं रिस्क रिवार्ड ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आपकी एंट्री कैंडल थी और आपका रिस्क था ये कुछ, ये है 30 पॉइंट का। और डायरेक्टली आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पर होगा 50 पॉइंट का। तो फ्रेंड्स से आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिस्क रिवार्ड ड्रॉ करते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ पर 50 होना चाहिए। अगर 1.50 नहीं है तो वो ट्रेड आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपका कोई ट्रेड लॉस होता है तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपका अकाउंट खाली होगा, है ना। तो हाईली रिकमेंड फ्रेंड्स, 1.50 से कम आप रिस्क रिवार्ड पे नहीं वर्क करें। अगर 1.40 होता है तो बिल्कुल आप ना करें, है ना। क्योंकि आपको फिर अगर आपका ट्रेड कोई लॉस भी होता है तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट खाली होने के चांस है ना। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एक दिन में तो नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे आप अगर खत्म करेंगे, लॉस असर तो होता रहेगा, तो आप खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड ये रखें, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है ताकि आपको करेक्ट वे में आपको हर चीज आपको समझ में आए। तो 30 पॉइंट का इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। तो ये गुड रिस्क रिवॉर्ड है और इजी टारगेट है और इजी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप सीख सकते हैं फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको चार्ट को पब्लिश करता रहता हूँ और यहाँ पर आपको वैल्यूबल चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। ये सब तो रिजल्ट है, ये सब छोड़ते हैं अपन। यहाँ पर ये ओवरनाइट का फॉरेक्स मार्केट का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये रहा आपका सिग्नल पॉइंट यानी 50%, और आप देखेंगे ये रहा कैंडल, और ये रहा आपका टारगेट एरिया, ठीक है। तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और ये सब टारगेट है, ये आज का ट्रेड है, लगभग 5-7 रुपये का टारगेट है ये भी, 5 रुपये का यह टारगेट है। तो मैंने ट्रेड ले चुका हूँ, तो जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो जब भी मुझे समय मिलता है फ्रेंड्स, तो आपके लिए छोटी मोटी वीडियो आपके लिए ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाए। तो जस्ट वेट करते हैं, और 100% ये 50 पॉइंट है तो इजी है। और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑल वीडियो से आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस सिर्फ कीजिए इन सारी वीडियो पे, और लाइव मार्केट में वॉच कीजिए, तो आपको अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आएगी दोस्तों, ओके। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 मिनट 3 मिनट और टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स, जो कि मैं 5 दिन 6 दिन बाद वीडियो बनाता हूँ, एक दिन कभी कभी टाइम मिल जाता है हफ्ते में, तो उसके लिए आप लोग के लिए छोटी मोटी वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आपको सीखने को मिलता रहे और डायरेक्टली ये अपना टारगेट हिट करेगा। जस्ट वेट। और फ्रेंड्स ये हिट करेगा, हिट करने के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर मूव हो चुका है। अप ट्रेंड का सेंटिमेंट देखो बहुत अच्छा समझने का, यहाँ पर डबल बॉटम हो गया, प्लस एम पैटर्न हो गया, ये रहा पूरा, ओके। तो ये पूरा का पूरा हायर हाई हो जाएगा, ये हायर लो बना और 50% रिटेस्ट, और प्राइस क्या करेगी इस लेवल को हिट करके, और ब्रेक भी कर सकती है और डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती है, ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है। पर अपना जो प्रिडिक्शन था सिर्फ ओनली दिस लेवल तक, ओके 50 पॉइंट। जो भी चीज़ें करें आप पूरा समय लेके करें, चीज़ों को समझ के, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों, ओके। और फ्रेंड्स अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन है कि कैंडलस्टिक के बारे में है, और ये है प्राइस एक्शन का कोर्स, ओके।
और इन दोनों कोर्सेस को आप स्टॉक मार्केट फॉरेक्स एक्सचेंज में ही अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट वेट फ्रेंड्स, ये एक रिट्रेसमेंट बन रहा है। क्यों ये रिट्रेसमेंट बन रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या, ये अपना सप्लाई जोन है जो कि इस लेवल को, ये क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस अगर यहाँ पर इसलिए रिट्रेसमेंट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये अगर प्राइस डाउन भी आती है तो इस लेवल से वापस बाउंस होके फिर जाके हिट करेगा, है ना। तो कॉन्फिडेंटली हमेशा हर सेटअप के साथ आप रेडी रहें। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये जो कॉन्फिडेंस जब अभी आता है आपको प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स, है ना। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, पर आपको उसी पैटर्न पे बार बार प्रैक्टिस करना है, एक ही पैटर्न पे, एक ही पैटर्न पे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे वही पैटर्न मिले, तो जब भी मिले आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, बहुत ध्यान से लगा के प्रैक्टिस करें उस पैटर्न पे जो आप मास्टर होना चाहते हैं जिस पैटर्न पे, है ना। तो उस पर बहुत ही ध्यान से पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता भी हूँ अपने, इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ जो कि आप एक नेचुरली समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बताया कि यहाँ पर आप देखिए 30 विन है ये, 1 लॉस है, और लॉस 1 है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ें मैं लिखा, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एक ही काम को बार बार आप करेंगे तो आप उस काम में मास्टर बन सकते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट निकला है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हर सभी व्यूअर को कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, तो जस्ट वेट फ्रेंड्स। ओके, सिंपल वेट करना है। और अभी ये रेजिस्टेंस लेके वापस जाए, क्योंकि जोन जो है, जोन अबोव है, ये कोई जोन नहीं है, जोन आपका ये है करेक्ट। जो जोन है आपका रिवर्स होने का वो ये जोन है, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जोन ये रिवर्सल का है, ये कोई जोन नहीं है जहां से मार्केट वापस आ रही है ना। ये हो सकता है डाउन है उसके बाद ऊपर जाए, पर जोन जो रिवर्सल का है, जो सेलर का आने का, जो डाउन आने का जोन जो है वो ये है, और मार्केट ने रीच नहीं किया, ये देखो यहीं से वापस आ रही है ना। तो होल्ड करिए। ओके, अब ये डाउन भी आएगा, डाउन से वापस आ जाएगा, पर ये वापस बाउंस होगा, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। जस्ट वेट, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये वापस से आ गया, तो यहां पर बना अब आपका, ये आप बोल सकते हैं टॉप एम पैटर्न बोल सकते हैं, यह पैटर्न शेप बन रहा है, पर एम पैटर्न ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने 50% से रिजेक्ट कर लिया है ना। और इसने क्या किया, इसने सेलर जोन से ये प्राइस नहीं मतलब सेलर जोन में ये प्राइस नहीं गया, क्योंकि जोन अपना ये एरिया है, ये पूरा एरिया है। ओके, सेलर का डाउन आने का, यानी इस स्टॉप लॉस हिट करने का इस जोन से आना चाहिए, बट प्राइस आ रही है, मे भी हो सकता है हिट भी कर दे, पर प्रिडिक्शन जो मैंने किया है अपने सोच के समझ के, क्योंकि सेलर जोन ये होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर प्राइस आने का क्या चांस है समझ में नहीं आ रहा है। और सिंपल सिर्फ ये रिट्रेसमेंट हो रही है प्राइस, ये सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट हो रही है प्राइस, और ये फिर बाउंस होगी जहाँ तक मुझे लगता है, और 80% मैं समझता हूँ कि ये बाउंस होने चाहिए, क्योंकि जोन ही नहीं है यहाँ तो वापस आने का, फालतू में आ रही है प्राइस, क्योंकि कोई भी सिनेरियो नहीं है फ्रेंड्स ये डाउन आने का, ये आपका स्टॉप लॉस हिट होने का। क्योंकि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि ये बिग कैंडल है ना, और ये पूरी स्ट्रॉन्ग रैली है, तो सेलर क्या यहाँ से इंटर हुआ है और रिजेक्ट कहाँ से, यहाँ से हुआ है, तो यहाँ लेवल है, और इंटर कहाँ होगा, सेलर यहाँ होगा, तो ये वापस आ रहा है बिना वजह, है ना। तो इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। नहीं, ओके, फिर से बायर इंटर हुआ है अब इसी लेवल से, तो अब ये कॉन्फिडेंटली मुझे लगता है कि ये अब ब्रेक भी कर सकता है, हिट भी कर सकता है, तो जस्ट वेट फ्रेंड्स। ओके, थोड़ा सा वेट, किसी भी ट्रेड को करें फ्रेंड्स आप, जब भी प्रिडिक्शन करें बहुत सूझबूझ के करें, और एक्यूरेट निकालने की कोशिश करें ऑलवेज, और टाइम दें, और टाइम नहीं देंगे तो फ्रेंड सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो ये सेलर जोन मैंने मार्क किया है, क्योंकि सेलर जोन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये ड्रॉप हुआ है। ओके,
तो ये ड्रॉप होने का चांस यही है कि प्राइस क्या करे, रिबाउंस, यहाँ से वापस जाए प्राइस, ऐसे फिर जाके बाउंस हो डाउन डायरेक्शन, तो तब मैं मानूँ कि यहाँ से करेक्टली प्राइस ड्रॉप हो रही है। पर ये डायरेक्ट यहाँ से हो रही है 20 से, तो 20 से नहीं समझ में आया कि क्यों हो रही है। तो अभी भी हम वेट ही करेंगे क्योंकि और कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पर समझने का दोस्तों। ये कवर लेवल ड्रॉ करते हैं अपन, ये कवर लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ इस कैंडल का 50% रेड का, तो कुछ यहाँ पर होना चाहिए। और इसके हाई पे एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा, और इस लेवल है ये, तो ये प्राइस ऊपर जाएगी फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि सेलर जोन ऊपर ही है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट मिलता है फ्रेंड्स। ओके, वेट ही करना है, वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा ट्रायंगल बना, यानी ये 100% प्राइस ऊपर जाएगी अब, है ना, ये क्लियर हो रही है प्राइस, यानी 100% ऊपर जाएगी। ये आपका लो है, ये बना, ये स्विंग जो है हायर हाई, तो यानी अब ये कॉन्फिडेंटली प्राइस ऊपर, टारगेट यानी हिट होने के चांस तो दो तरीके से हमको, ये तो कोई एक सिग्नल, एक मतलब आप बोल सकते हैं एक क्लू मिल गया है, जो कि एक ट्रायंगल है, ये ब्रेकआउट होगा तो ये प्राइस यहाँ तक जाएगी, यानी इसके हाई तक, क्योंकि इसके हाई तक जाएगी, यानी सही प्रिडिक्शन मैंने करके बैठा हूँ तो सही है। और ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोग, मार्केट वाले, ऊपर नीचे करके। तो जस्ट वेट करते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो करेंट टाइम इंडिया और 12:44 हो रहा है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ फ्रेंड्स। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो शो करता हूँ, और यहाँ पर अगर टारगेट हिट होता है तो वीडियो को मैं शो करता हूँ। तो फ्रेंड्स वेट कीजिए, और जैसा कि फ्रेंड्स हमने एक्सपेक्ट किया था, आप देखेंगे यहाँ से वो ब्रेकआउट भी दे दिया और टारगेट भी दे दिया, है ना, तो और ये 44 हो रहा है, तो 1 मिनट लगा और क्या, 2 मिनट लगा, और ये करेक्ट वे में जो प्रेडिक्शन किया था फ्रेंड्स वो हमारा अचीव हुआ, है ना दोस्तों। तो ऑलवेज अपना मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट आप नहीं आ सकते हैं, और ये सिर्फ हेल्पिंग के लिए वीडियो वगैरह मैं शूट करता हूँ और कोई, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बताया था, और शुरू में ही सब कुछ मैंने बता दिया था कि यहाँ पर 20 AMA का यहाँ पर सपोर्ट है, डायनेमिक सपोर्ट, और प्लस हमारा एक और सपोर्ट था 50% का, और पिन बार बना था, और सेकंड कैंडल रेड वाली कैंडल का ये इंट्री कैंडल होने वाला था, और जो हमने स्टॉप लॉस रखा था ये 61.8%, और टारगेट जो हमने रखा था ये सेलर जोन। अब देखिए, अब अगर सेलर इंटर होता है तो हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से इंटर हो सकता है सेलर, क्योंकि ये पूरा क्या है, सेलर जोन एरिया, ये जो वीक वाला है ये सेलर जोन, यही वीडियो में आपको बार बार कह रहा था, क्योंकि सेलर यहाँ से इंटर हुआ है, तो यहाँ से इंटर वो हो गया डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर ये सब फेक चीज़ें हो जाती हैं। तो कॉन्फिडेंटली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, बाकी अगर ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।